इस फिल्म की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां एक घर के अंदर औरत अपने बेटे के साथ रहती है। लड़के का नाम सेलोमोन है और वो अंधा है, उसके डैड उनके साथ नहीं रहते और सेलोमोन के मम का पूरा ध्यान उसकी ट्रेनिंग पर है, क्योंकि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती और सेलोमोन तो देख भी नहीं सकता। इसीलिए उसकी मम घर से बाहर निकलने से पहले उसे एक रस्सी से बांध देती हैं, ताकि उसे घर वापस आने में मुश्किल ना हो। सेलोमोन की मम ने शिकार करने के लिए उसे ट्रैप लगाना भी सिखा दिया था। ये लोग आज जंगल में जाते हैं और सेलोमोन ट्रैप्स चेक करता है, सारे खाली थे सिवाय एक ट्रैप के, यानी कि इन्हें आज थोड़ा सा खाना को मिला था जिन्हें लेकर ये घर चले जाते हैं। जब खाने का वक्त आता है तो उसकी मोम उससे कहती है कि तुम जंगल के कानून को जानते हो ना, जंगल हमें जो दे उसका आधा हिस्सा हमें जंगल को लौटाना होता है। इसलिए सेलोमोन अपने शिकार का दो हिस्सा करके अपनी मोम के साथ घने जंगलों में निकल जाता है। उसके साथ बंधी रस्सी इतनी ही थी कि वो घने जंगलों तक तो पहुंच सकता था, पर उसके अंदर नहीं जा सकता। वो दूर से ही शिकार का आधा हिस्सा घने जंगल में फेंक कर वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन ये मछलियों के शिकार पे जाते हैं और काफी देर एक भी मछली ना पकड़ने के बाद उसकी मोम उससे कहती हैं कि शायद जो कीड़े हमने मछली के कांटे में लगाए हैं वो छोटे हैं। इसीलिए सेलोमोन बड़े कीड़े लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जब वो जमीन पर हाथ मार मार कर कीड़े ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसके हाथों में जंजीर आ जाती है, जिसे महसूस करने पर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जंजीर से तो चीजों को बांधा जाता था। उसे सोचा था कि आखिर यहाँ कौन कैद होगा। सेलोमोन के इस जंजीर को हाथ लगाने से इस जंगल में हलचल सी मच गई थी, जिसे महसूस करके सेलोमोन की मॉम उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि इतनी दूर किसने तुम्हें आने के लिए बोला था, पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। सेलोमोन अपने मॉम को नाराज देकर उनसे सॉरी बोलता है और वो उसे लेकर घर चली जाती हैं। वो घबराई हुई लग रही थी, उनके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो है जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। रात में वो सेलोमोन को बकरे की कहानी सुनाती हैं जिसे रात में जंगल में जाना मना था। एक दिन जब वो जंगल में चली गई तो उस दिन उसकी मौत हो गई। ये कहानी सेलोमोन की मोम ने खुद ही लिखी थी। कहानी सुनने के बाद सेलोमोन अपनी मोम से मौत के बारे में बात करता है। वो कहती है कि मैं तो ये नहीं जानती कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं। हाँ, पर मेरा मानना है कि मौत अहम नहीं होती और इसी बात पर तुम्हें भी बिलीव रखना है। ये उनकी आखिरी बातें थीं। इसके बाद उसकी मॉम घर से कहीं चली गई थी। इसके बाद सालों गुजर गए, ना वो खुद वापस आई और ना ही सेलोमोन को उनके बारे में कुछ पता चला। उन्होंने जाते हुए टेप रिकॉर्डिंग में सेलोमोन से माफी मांगी थी उसे छोड़कर जाने के लिए, और साथ ही जिंदगी गुजारने के लिए तीन रूल्स बताए थे जिसके बगैर वो मर जाता। जिसका पहला रूल ये था कि वो कुछ भी जंगल से लेके आएगा तो उसका आधा हिस्सा जंगल को वापस लौटाएगा। दूसरा ये कि अगर उसे कभी डर लगे या वो मुश्किल में हो तब सेलोमोन वो गाना गाए जो उसकी मॉम उसके साथ गाया करती थी। और तीसरा ये कि वो जब भी घर से निकलेगा अपनी रस्सी को नहीं छोड़ेगा। इस रूल्स को फॉलो करते हुए सेलोमोन के जिंदगी के काफी साल गुजर गए और उसने बहुत कुछ सीख भी लिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब वो जंगल में शिकार के लिए निकला तो शिकार के नाम पर उसे कुछ ना मिला। तालाब में मछली पकड़ने गया तो बहुत मुश्किल से उसे एक मछली मिली। भूख ज्यादा लगने की वजह से वो सारी मछली खुद ही खा गया। उसने जंगल में कुछ नहीं दिया और उसके बदले में रात होने पर जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। सेलोमोन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, हालांकि वो ये जानता था कि उसने आज एक रूल तोड़ दिया है। वो सोने के लिए लेट जाता है, पर आधी रात गुजरने के बाद वो एक बात नोटिस करता है कि आज तो उसकी बकरी ने बिल्कुल शोर नहीं किया। कुछ अजीब महसूस होने पर वो बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी बकरी मरी हुई है। इन सब चीज की परेशानी में उसे नींद भी नहीं आती। उसके पास अब खाना भी बहुत कम रह चुका था और आज जब वो दोबारा शिकार करने निकलता है तो उसे एक मरा हुआ हिरन मिलता है, जो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इन्हीं चीजों को वो सोच रहा था कि तभी अचानक उसे एक इंसान की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने मॉम डैड के अलावा कोई तीसरा इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। ये एक हैंग नाम का शिकारी था जिसने इस हिरन का शिकार किया था और वो सेलोमोन को अपने शिकार से दूर रहने के लिए कह रहा है। वो जब सेलोमोन को अपने शिकार से दूर रहने के लिए कहने आता है तो सेलोमोन अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से शिकारी का हाथ जख्मी हो गया था। इसकी वजह से शिकारी उसके सर पे गन मारता है, जिसकी वजह से सेलोमोन बेहोश हो जाता है। और जब सेलोमोन को होश आता है तो वो खुद को उसके पास बैठा हुआ पाता है और वो सेलोमोन को खुद से घबराने से मना कर रहा था। सेलोमोन नोटिस करता है कि वो अपने घर के करीब है। वो हैंग से पूछता है कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। हैंग जवाब देता है कि तुम्हारी रस्सी के जरिए। हैंग सवाल करता है कि बच्चे तुम इस जंगल में अकेले रहते हो। हैंग के सवाल का सेलोमोन कोई जवाब नहीं देता।
क्योंकि उसे अपने आप को बच्चा कहने की वजह से गुस्सा आ गया था। खैर हैंग इस बात के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे एक रात अपने घर रुकने की इजाजत दे दो तो मैं अपने शिकार में से कुछ हिस्सा तुमको खाने के लिए दे दूंगा। देखो रात होने वाली है और रात में जंगल में खतरा बढ़ जाएगा। सैलोमोन को ये आदमी अच्छा लगा था, इसलिए वो उसे अपने घर में रखने की इजाजत दे देता है। हैंग खाना बनाता है और साथ में सैलोमोन के घर को चेक करने लगता है, क्योंकि वो हैरान था कि एक अंधा इंसान अकेले इस जंगल में जिंदगी कैसे गुजार रहा है। हैंग अब उससे सवाल करता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं और तुम यहाँ कैसे रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से किसी अच्छी जगह पे लेके जा सकता हूँ। सैलोमोन कहता है कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। ये कहते ही वो वहाँ रुकता नहीं है, सोने के लिए चला जाता है। आधी रात गुजरती है और इन्हें जंगल से दोबारा खौफनाक आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। हैंग सैलोमोन से सवाल करता है कि क्या तुम जानते हो कि ये आवाज़ किस चीज की है। सैलोमोन भी नहीं जानता था कि ये आवाजें कैसी हैं, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी आवाजें नहीं सुनी थी। हैंग अपनी बंदूक लेके जंगल की तरफ बढ़ता है चेक करने के लिए कि आखिर ये आवाजें किस चीज की हैं। हैंग उन्हीं घने जंगलों में गया था जहाँ पे सैलोमोन को जाने की इजाजत नहीं थी, पर सैलोमोन वहाँ पे हर रोज अपने खाने का आधा हिस्सा दिया करता था। हैंग जो किसी भी खतरनाक जानवर को अपने बंदूक से मारने का फैसला किया हुआ था, वो नोटिस करता है कि जंगल में एक बहुत बड़ा भालू बहुत ही बुरी तरीके से मरा पड़ा है। वो हैरान था कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो भालू से भी बड़ी और ताकतवर थी, जिसने भालू को मार दिया। इससे पहले कि वो कुछ चेक करने के लिए आगे बढ़ता, उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए घर वापस भागता है और सैलोमोन से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि वो क्या चीज थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी? पर इस बारे में भी सैलोमोन को कोई आइडिया नहीं था। खैर अगले दिन हैंग को अब यहाँ से निकलना था, लेकिन उसके पास एक पूरी हिरन थी। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है? सैलोमोन से ना का जवाब मिलने पर हैंग कहता है कि मैं खुद ही एक ऐसी जगह बना लूंगा जहाँ पर उस हिरन का मीट संभाल कर रखा जा सके। बस उन कामों के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें एक जंजीर भी शामिल है। सैलोमोन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि जंजीर तुम्हें कहाँ मिलेगी। जंगल के बीचों बीच नदी के पास। ये वही जंजीर थी जो सैलोमोन को बचपन में दिखी थी। ये दोनों उस जंजीर के पास पहुंच जाते हैं। हैंग भी जंगल के बीच में जंजीर को देखकर हैरान था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा गया है। वो जंजीर के साथ चलते चलते एक खुफिया द्वार तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो अंदर देखता, एक खूंखार परिंदा उस पे हमला करता है, जिससे डर कर ये वहां से पीछे हो जाता है। ये लोग अपनी जरूरत जितनी जंजीर लेकर घर वापस आ जाते हैं। हैंग देखता है कि सैलोमोन ने हिरन का आधा टुकड़ा जंगल के बीचों बीच फेंका है। वो उससे सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो सैलोमोन कहता है कि मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा गया है और मैं सालों से ऐसा ही करता आ रहा हूँ। हैंग को ये सारी बातें अजीब लगती हैं। उसे लगता है कि सैलोमोन की मॉम जादू वगैरह करती होंगी। हैंग सैलोमोन की समझाने की कोशिश करता है कि जिस चीज से तुम डर रहे हो शायद वो एक जानवर हो, और अगर तुम चाहो और मेरी मदद करो तो हम बड़े ही आसानी से उसे पकड़ कर खत्म कर सकते हैं और तुम्हारा सारा खतरा भी टल सकता है। फिर तुम्हें अपने खाने का हिस्सा किसी को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि सैलोमोन की रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जंगल के अंदर जा सके। हैंग कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ये लोग बातों ही बातों में अच्छे दोस्त बन चुके थे। हैंग अपने कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उसकी रस्सी के साथ बांध देता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी थोड़ी लंबी हो जाती है। ये लोग जंगल में तो चले जाते हैं, लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद कोई अचानक से सैलोमोन पर हमला करके उसे पीछे की तरफ खींचने लगता है। हैंग उसे बचाकर घर वापस ले आता है। ये सब काफी अजीब था। सैलोमोन इस चीज से काफी डर चुका था, इसलिए वो हैंग से कहता है कि तुम मुझे उस किताब में से कहानी पढ़कर सुनाओ जो हमेशा मेरी माँ मुझे पढ़कर सुनाया करती थी। हैंग भी जंगल में होने वाले इस वाक्य से परेशान था, इसलिए वो सैलोमोन के सोने के बाद जंगल में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ है क्या। हैंग जंगल में उस गुफा तक चला गया था जिसके अंदर किसी चीज को जंजीर से बांधा गया था, जबकि दूसरी तरफ सैलोमोन भी हैंग के यहाँ से जाने से परेशान था। वो भी हैंग को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकलता है, पर रस्सी छोटी होने की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से वो अपनी रस्सी को खोल देता है। और ऐसे में उसने अपने माँ के बताए हुए दूसरे रूल को भी तोड़ दिया था। जंगल में आगे जाने पर उसे हैंग मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है और उसी समय वो खौफनाक आवाजें बहुत पास से उसे जोर जोर से सुनाई देने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि उस गुफा में जो कोई भी था वो कोई बड़ा जानवर या राक्षस नहीं था, बल्कि ये तो सैलोमोन की मॉम है। उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी है, ऐसे जैसे वो किसी और चीज के कब्जे में हो। सैलोमोन तो अपनी मॉम को नहीं देख सकता था, उसे पता भी नहीं था कि ये उसकी मॉम थी। वो खौफ में अपने मॉम का बताया हुआ गाना गाने लगता है।
जिससे उसकी मोम को पता चल जाता है कि वहां पर उसका बेटा आया हुआ है। वो जाकर जैसे ही अपने बेटे को गले लगाती है तो सेलोमोन चाकू से उसे मार देता है। सेलोमोन को इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने मोम को मार डाला है, क्योंकि वो देख नहीं सकता था और उसकी मोम बोल नहीं पा रही थी। अपनी मोम को मारने के बाद हम देखते हैं कि सेलोमोन की आंखें भी अपनी मोम जैसी हो जाती हैं। आखिर सेलोमोन के साथ हुआ क्या था? उसकी पूरी फैमिली पे किसी किस्म का कर्ज था, जिसकी वजह से सेलोमोन के डैड सबसे पहले किसी अजीब से क्रिएचर में बदले। जब हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा कि जब सेलोमोन और उसकी मोम अपना शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंकता है, तो शायद अपने डैड के लिए ही वो खाना फेंक रहे थे। उनके मरने के बाद ये कर्ज उनकी वाइफ यानी कि सेलोमोन के मोम पे आ गया, और फिर सेलोमोन अपने मोम के लिए रोज अपने शिकार का आधा हिस्सा फेंका करता था, ये जाने बगैर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर जब उसकी मोम मरी तो ये कर्ज उस पे आ गया, और उसके साथ ही ये कहानी खत्म हुई। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें।